हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने ब्लास्टुला के बारे में पढ़ा था, ब्लास्टुलेशन के बारे में पढ़ा था एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और गैस्टुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। गैस्टुलेशन क्या होता है और इस स्टेज में क्या होता है एम्ब्रायो के साथ या एम्ब्रायो में किस प्रकार की डेवलपमेंट आती है, ठीक है। तो गैस्टुलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे डेवलपमेंट होती है जर्मिनल लेयर्स की। डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स की डेवलपमेंट। हमारे में हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, तीन जर्मिनल लेयर्स पाई जाती है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एक्टोडर्म और इन दोनों के बीच में एक डेवलपमेंट होती है मिडिल लेयर की, जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास जर्मिनल लेयर्स मौजूद रहते हैं। अब हम देखते हैं जरा कि ये जो तीन जर्मिनल लेयर्स है, एक्चुअली जर्मिनल लेयर्स का क्या मतलब होता है। अगर नाम को ही हम ब्रेक डाउन करें, वो लेयर्स जो हमारे शरीर के डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स को जर्मिनेट करवाती हैं, वो होती हैं जर्मिनल लेयर्स। वो लेयर्स जिनसे हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स जर्मिनेट होते हैं या जो हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म होते हैं, बनते हैं, ठीक है, वो होती हैं जर्मिनल लेयर्स। तीन जर्मिनल लेयर्स हमें पता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। वन बाय वन हम देखते हैं कि किस जर्मिनल लेयर से हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन या हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। सबसे पहले बात आती है सबसे आउटर लेयर की, दैट इज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म की अगर हम बात करें तो कुछ पार्ट्स हैं जो कि एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं, उनको हम देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आउटर बॉडी लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का जो फॉर्मेशन है, एपिडर्मिस का जो सिंथेसिस है, वो एक्टोडर्म से होता है, ठीक है, एपिडर्मिस। अब यहाँ पर फॉर्मेशन की जब बात करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो लेयर है उसके सेल्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, कहीं फोल्ड हो रहे हैं, कहीं मूव कर रहे हैं, तब जाके फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज़ का एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है एपिडर्मिस। उसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। नर्वस सिस्टम ये जो है हमारा एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। उसके बाद बात आती है हमारे रेटिना की, कॉर्निया लेंस की, ये सब एक्टोडर्मल ओरिजिन के, रेटिना। उसके अलावा हमारा कॉर्निया लेंस, उसके आगे अगर बात करें तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया, और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जानते हो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, कहाँ होता है, फंक्शंस क्या क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद बात करें तो पीनियल ग्लैंड, अगर पिट्यूटरी पता होगा तो पीनियल भी पता होगा। आप सबने पढ़ी होगी ना एंडोक्राइनोलॉजी, पढ़ी होगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पढ़े होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पढ़े होंगे उनमें पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा। उसके अलावा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा इंटरनल ईयर और हमारा एड्रेनल मेड्यूला, हमारा एड्रेनल मेड्यूला जो है, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं एक्टोडर्म से। अब नर्वस सिस्टम बोला गया, मतलब नर्वस सिस्टम में आने वाले जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब जो है एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होंगे। सिस्टम आ गया, दैट मीन सिस्टम के अंदर आने वाला ऑर्गन। सिस्टम कैसे बनता है, कुछ ऑर्गन्स का एक्युमुलेशन ही तो होता है सिस्टम। कुछ ऑर्गन्स एक ही फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए जब डिफरेंट स्टेजेस पे काम करते हैं तो उससे हमारा एक सिस्टम बनता है। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी एक हिस्सा है, पेट भी एक हिस्सा है, दोनों का काम अलग अलग है पर एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं ना, डाइजेशन के लिए। तो दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरह से काम करता है। एक्टोडर्म के बाद बात आती है हमारी मेसोडर्म। मेसोडर्म से किन ऑर्गन्स का ओरिजिनेशन हुआ है। सबसे पहले हमारे शरीर में पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू
ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मेसोडर्मल वाले जो होते हैं, हमारा पूरा एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर, हमारा पूरा एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर, हमारा एंडोस्केलेटल जो है वो भी मेसोडर्म से ही बना होता है। हमारे वास्कुलर टिश्यू, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब मेसोडर्मल ओरिजिन है। मस्कुलर टिश्यू, आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब जो है मेसोडर्मल ओरिजिन्स है, ये सब जो है मेसोडर्म से ही ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। एंड देन फाइनली बात आती है हमारे एंडोडर्म, इंटरनल लेयर, एंडोडर्म की अगर हम बात करें तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका ओरिजिनेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका जो ओरिजिनेशन है वो एंडोडर्म से होता है। उसके अलावा हमारा थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस ग्लैंड, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। थायराइड उसके फंक्शन, पैराथायराइड उसके फंक्शन, थाइमस उसके फंक्शन, इम्यूनोलॉजी पढ़ी होगी तो शायद थाइमस ग्लैंड आपने पढ़ा होगा उसके साथ, या इंडोक्राइनोलॉजी में भी आपने थाइमस ग्लैंड की स्टडी की होगी, ठीक है। तो ये हमारे तीन जर्मिनल लेयर्स थे, ये सबसे आउटर, ये मिडल और ये इंटरनल, ठीक है। ये तीन जर्मिनल लेयर्स और उससे ओरिजिनेट होने वाले जो भी सिस्टम से ऑर्गन से हो उनके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी की, ठीक। इसके आगे अब एक टॉपिक पढ़ते हैं जो है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। व्हाट इज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, मैं आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यहाँ पे जो जर्मिनल लेयर्स बनी है, तीन जर्मिनल लेयर्स हैं, वो जर्मिनल लेयर्स आपस में क्या है, मान लो कि तीन लेयर, एक सर्कल, उसमें तीन लेयर्स। अब वो लेयर्स जब ऑर्गन का डेवलपमेंट करेंगी या किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी तो उसके लिए उसका मूव करना भी तो जरूरी है। उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सेल्स का, जो हमारा जर्मिनल लेयर है उसके सेल्स की मूवमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है। ये जो मूवमेंट है ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है, तो अलग अलग टाइप की मूवमेंट जो होती है हमारे जर्मिनल लेयर्स की वो कहलाती है हमारी मॉर्फोजेनिक मूवमेंट या मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। के बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। दो पार्ट्स, एक है एपिगोली, दूसरा है एम्बोली, एपिबोली एंड एम्बोली, ठीक है, एपिबोली एंड एम्बोली। तो यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन में जर्मिनल लेयर्स, एक तो जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन और जर्मिनल लेयर के फॉर्मेशन के साथ ही साथ जर्मिनल लेयर से ऑर्गन का फॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जर्मिनल लेयर के फॉर्मेशन की बात करें, एपिबोली एम्बोली में एपिबोली की बात करें तो एपिबोली आता है सीधे सीधे एक्टोडर्म के फॉर्मेशन से रिलेटेड। एपिबोली में आप लिख दो फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, आउटर लेयर की फॉर्मेशन होगी, दैट इज एपिबोली, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और एग्जांपल में आप लिख
रहेगा सी अर्चिन। सी अर्चिन के अंदर एक्वाडोरियन की फॉर्मेशन होती है सी अर्चिन। सी अर्चिन पे काफ़ी रिसर्च है, इस कारण से इसको जो है हम एज एन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, ये जो एक्वाडोरियन का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, ऑलरेडी अगर सेल्स है उसके सेल से फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल होता है लेयर के बाहर, देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल आउटसाइड द लेयर, मतलब नए सेल बनेंगे, ऑलरेडी सेल मौजूद है उन सेल से ऊपर उठ के नए सेल बनेंगे और वो एक कवरिंग बना देंगे जो कि एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात करें हम एम्बोली की, तो एम्बोली चार पार्ट्स डिवाइडेड है, मतलब चार डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बोली जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में एम्बोली के बारे में पढ़ेंगे। एपिकोली तो हमें पता चल गया फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्म का, सी अर्चिन में हमने एग्जाम्पल दिया, और चूँकि मान लो कि यहाँ पे सेल्स है, ठीक, एक सेल का क्लस्टर है, यहाँ पे इस तरह से एक सेल का क्लस्टर है, ठीक। अब यहाँ पे जब सेल का स्ट्रक्चर है, क्लस्टर है, कुछ है, तो इसके ऊपर की तरफ एक लेयर जो है इन्हीं सेल से एक दूसरे की लेयर है ओरिजिनेट करनी स्टार्ट होगी, यहाँ से जो सेल है वो डिवाइड होकर ऊपर जाना स्टार्ट होंगे, तो एक लेयर में फॉर्मेशन करेंगे, एक लेयर बनेंगे, ठीक। ये लेयर बनती जाएगी और फाइनली जो है अपर लेयर पूरी तरह से बन जाएगी, और अपर लेयर को जो है हम एक्टोडर्म बोल देंगे कि ये बाहरी लेयर है और ये एक्टोडर्म है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ना है अगले वीडियो लेक्चर में, चूँकि जो एम्बोली है वो थोड़ा सा डिटेल्ड है। एम्बोली जो है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, चार टाइप्स की एम्बोली हमने पढ़नी है, जिसमें डिफरेंट टाइप से अलग अलग जो हमारे जर्नल लेयर्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम आज एपिकोली तक देखते हैं, वापस अगले वीडियो लेक्चर में हम एक बार एपिकोली का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे एंड एम्बोली को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो और हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं